पूरे देश में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सफलता के लिए धार्मिक अनुष्ठान का दौर जारी है। तो वहीं भगवान राम की नगरी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का दौर भी शुरू हो गया है। आज विश्व विराट भगवान के सामने राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकराचार्य ने वैदिक ब्राह्मण के साथ हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान किया, जिसमें वेद की ऋचाओं के साथ पुरुष सूक्त और नारायण सूक्त के मंत्रों की आहुति दी गई। तो दूसरी तरफ विगत 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घ आयु की कामना के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम ने भी 3 दिन से चंद्रयान की सफलता के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यज्ञ अनुष्ठान का दौर शुरू है। तो वहीं गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोग भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। चंद्रयान 3 आज लगभग 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान की सफलता के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। जहाँ हमारा ज्ञान कार्य कर रहा है, आध्यात्म कार्य कर रहा है, तो हमारा विज्ञान भी पीछे नहीं है। भारतीय अनुसंधान केंद्र जो अंतरिक्ष विज्ञान है, उनके वैज्ञानिक भी सतत संघर्षरत हैं नए कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को, वो 23 अगस्त यानी कल के डेट में सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु विश्व विराट नारायण जो ब्रह्मांड नायक हैं, उनके मंत्रों द्वारा पुरुष सूक्त और नारायण सूक्त के माध्यम से हमने आहूत किया, हवन किया, विश्व कल्याण के कामना के साथ जो इसरो प्रमुख हैं हमारे यश शंभु जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और सफलतापूर्वक लैंडिंग करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हवन पूजन किया है। आशा करते हैं कि भारत नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बस चंद घंटे ही बाकी है। इसके बाद दुनिया के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की सफलता के लिए बीते 9 वर्षों से हमारा रामादल धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। वर्तमान में चंद्रयान 3 जो बार पुनः जो है चंद्र की कक्षा में पहुंच चुका है और कुछ ही क्षण में वो चंद्रमा की पर उतरेगा, निर्विघ्न संपन्न हो। जगत पिता भगवान विष्णु भारत के इस प्रयास को निर्विघ्न संपन्न करें, भारत एक नया इतिहास रचे और इसकी सफलता के बाद एक नए ग्रह पर जाने की तैयारी भारत करे। इसके लिए मतलब आज 3 दिन से एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, क्योंकि बिना भगवान विष्णु की कृपा के यह कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता है। उनकी कृपा से आज यह कार्य इतिहास रच रहा है, इसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। और जब तक देखिए हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हम देश के वफादार हैं और जितने देश के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से एक दुआ भी करते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ जाएं और इतना आगे बढ़ें कि हमारे देश का झंडा जो है वो कोई मुल्क के लोग जाएं तो वहाँ पहले से तिरंगा मौजूद हो। चंद्रयान पे जो है 3 दिन के अंदर पहुँचने की बात है, हम तो ये चाहते हैं कि 2 दिन में पहुँच जाएं। ये हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि क्योंकि हमारी दुआ जो है कबूल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब जो है जहाँ 40 आदमी दुआ मांग लेते हैं वहाँ दुआ कबूल हो जाती है।